जहां एक और भारत देश में कोरोना वैक्सीन की 150 करोड़ डोजें लगाई जा चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर बीएमसी ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में 8 जनवरी को छपी खबर के अनुसार शुक्रवार को मुंबई में 20,971 मामले कोरोना वायरस के दर्ज किए गए थे, जिनमें से 1,983 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। बीएमसी ने यह दावा किया है कि ऑक्सीजन बेड पर पहुंचने वाले मरीजों में 96% मरीज ऐसे थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोजें नहीं लगाई हुई थी। ये आंकड़े इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित जिन मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ रही है, ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की एक भी डोजें नहीं लगाई हुई है। इसीलिए हमारी उन सभी लोगों से विनती है जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन की डोजें नहीं लगाई हुई हैं, वह जल्द से जल्द वैक्सीन लें और अपने आप को तथा अपने परिवारों को इस महामारी से बचाएं। अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए मास्क लगाएं और सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।